रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिया, बच्चा यू फाइन? इतना चिली सॉस खा ली इसलिए। चिली सॉस से एलर्जी? पानी लो बेटा। दिया को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। लोकेशन भेज, 5 मिनट में पहुंच रहा हूं। आर यू वेटिंग फॉर देम यार? लेट्स जस्ट गो आई ड्राइव टू द हॉस्पिटल। आई एम सॉरी अंगद, देयर वाज एन इमरजेंसी, मुझे जाना पड़ा। मैं किंग्स कैफे तक आई थी। हे ऋत्विक। हेलो अंगद, तुम मिले रीवा से? अंगद मैं पलक बोल रही हूं। कितने पैसे ले रही हो अंगद? या फिर रीवा से वो जो पैसे कमाएगा उसमें शेयर है तुम्हारा? मम्मा, आप दोनों की कोई लड़ाई हुई है क्या? I'm not wrong, ये आपकी ओल्ड ड्रेस है, राइट? यस, बहुत स्वीट याद है स्ट्रेस के साथ। बहुत अच्छा मेंटेन किया आपने खुद को। थैंक यू। वैसे आज ऑफिस कैसे? Had to buy a new car. डैडी पिगी बैंक। सब कर्मों का चक्कर, नियति को कौन बदल सकता है, है कि नहीं? और मेरे गुरुजी ने कहा है कि जो होना है ना वो तो होकर ही रहना है, होनी को कोई नहीं डाल सकता। और गुरुजी ने जो कह दिया ना, ये आश्रम खोलेगा क्या ऑफिस में? आपके प्यार के मारे और क्या, पति को कैसा बना दिया आपने। प्लीज बी नाइस टू हिम, प्लीज। आई विल डू व्हाट आई हैव टू। ऑलराइट, कॉफी पी दूं? रीवा मैम, आपको ऋत्विक सर बुला रहे हैं। I'll be there. I'll just come. By the way, this Devdas look suits you, huh? यार भाई, it's working. I'm telling you. Ricky, रीवा कहाँ है यार? वो तो गई भाई, but you know what? She's changing. रीवा is changing, यार. मुझे भी ये टेंशन है यार. अरे भाई तू, यार तू समझ नहीं रहा। आज तक उसने मुझसे ना सीधे ढंग से बात तक नहीं की है और आज वो मुझे कॉम्प्लीमेंट देके गई है यार। है भाई, मुझे लगता है सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। स्वामी जी, रीवा के पास ले चलो मुझे प्लीज। अमेरिका में जो इलेक्शन होने वाले हैं उससे इंडिया की इकोनॉमी और हमारे स्टॉक मार्केट दोनों पे बहुत गहरा इंपैक्ट आने वाला है। गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, आई हैव एन अनाउंसमेंट टू मेक। इस महीने की 15 तारीख को अमन और रीवा के शादी को 5 साल हो जाएंगे। इट्स देयर मैरिज एनिवर्सरी। दे स्पेंट 5 ब्यूटीफुल लॉन्ग इयर्स टुगेदर। सो वी आर गोइंग टू बी सेलिब्रेटिंग विद यू ऑल। सो मेक श्योर आप लोग सब हमारे साथ इस फंक्शन पे आए एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू कम विद योर बेटर हाफ्स। राइट, बड़े दिनों के बाद एक अच्छा सा सरप्राइज दिया। थैंक यू रीवा। एक्सक्यूज मी, विजय सर कहाँ है? कॉन्फ्रेंस रूम में। थैंक्स। ये फंक्शन हमारे घर पर होगा क्योंकि ऐसे फंक्शंस फैमिली के साथ मनाए जाते हैं और आप लोग हमारे लिए एम्प्लॉयज नहीं, फैमिली है। वाओ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। ट्रस्ट अ ब्रदर टू सरप्राइज यू रीवा। मैंने सोचा था कि किंग्स कैफे में तुम्हें सरप्राइज दे दूं, बट आई थॉट लेट्स वेट फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी। राइट, बट आई हैड अदर प्लान्स। तो कैंसिल देम। बेटा, मेरा मतलब है थोड़ा आगे पीछे कर लो ना। देखो अब अनाउंसमेंट भी हो गई है ना? राइट शिवम, मेक श्योर कि सब लोग पर्सनली इनवाइट किए जाएं। यप, आई वांट दिस टू बी वेरी स्पेशल, माय डार्लिंग सिस्टर। अरे बेटा जी, आज कसरत वसरत नहीं करनी? अरे बड़े अच्छे मूड में लग रहे हो, वजह क्या है? रब दी मेहर है बेटा, मेरे दामाद और मेरी बेटी का पता हो गया, उनकी वेडिंग एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन है। जानती हो कल रात को ही मैं अपनी वाइफ से कह रहा था कि आपको डिनर पे बुलाना है और लो ओकेजन भी आ गया, यू हैव टू कम। बड़े दिनों के बाद विजय पत्नून के घर पे कोई सेलिब्रेशन होगा एंड यू हैव माय पर्सनल इनविटेशन, यू हैव टू बी देयर। यार अब्बा, एक रिश्ता तो सुलझ गया, अब एक बार मेरा बेटा रिकी मेरे गले लग जाए तो मैं चैन से मर पाऊंगा।
कैसे बोल सकते हैं पाप? सर, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं रोज और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। तुम्हें आदत है क्या गाली गलौज करने की, चिल्लम चिल्ली करने की, डांटने की? समझ में नहीं आता मुझे। अच्छा सुनो, यू हैव टू कम फॉर द पार्टी, ओके? मैं गाड़ी भेज दूंगा। तो तुम लोग श्याम के मामू को कैसे जानते हो? अरे वो श्याम के मामू है एंड श्याम लव्स हिम। उनकी दाढ़ी छुपती भी है। और तुझे पता है उस दिन है ना मम्मा से फाइटिंग भी की। रियली? रखो यहाँ पर बुक्स। क्यों? ये श्याम की बुक्स है। माई मामू इज माई हीरो, ही इज टू आईज एंड टू नोज, ही हैज मेनी फनी जोक्स, बट द बेस्ट डांसर ही डू बॉक्सिंग। कौन है ये ऋत्विक नून? लेट मी चेक। आप दोनों के पापा हैं। No, stop it! ये श्याम के मामू हैं। और आप ऐसे क्यों कह रहे हो कि ये हमारे पापा हैं? ब्रो, रिकी भैया। हेलो गॉर्जियस, नाइस टू सी यू लाइक दिस। उस फ्रॉड को मिलने जा रही हो? No, अमन से तो मैं बात भी नहीं करती। तुम जानती हो मैं किस फ्रॉड की बात कर रहा हूँ। That's your problem. Riva, please don't do this. अंकद के चक्कर में। भाई वो क्या है ना, मेरी फ्रेंड की बिल्ली मर गई है, उसी का अफसोस करने जा रही हूँ। I have to go, all right? Bro, let's bomb the date. Good idea. Hello. मुझे पता है मैं बेवकूफ नहीं, इतना मजाक कर रहा था। हेलो रोहित, तो क्या सारा दिन अपने बच्चों के साथ अपने घर के अंदर घुस के बैठा रहता है? I need your help. I need to bomb Riva's date. अरे मेरे पास कोई घर या बारूद नहीं है रिकी। वो 5-7 बच्चे पैदा करके रखे हैं ना तूने? वो बॉम्ब से कम है। Get them. All of them. बच्चे क्या करेंगे यार? Oh my God. मुझे तो लगा ही नहीं था कि हम फिर कभी मिल पाएंगे। You're right. By the way, you looking amazing. Thank you. Please sit, sit. Thanks to Palak यार। Big thanks to Palak. रोहित कहाँ? वहाँ जाके बैठेंगे। चलो। लाल। Hi Riva. What a pleasant surprise. मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। Continue, continue. हाँ। Sorry to disturb you. Hello. क्या बात कर रहे हो? सेतु का एक्सीडेंट हॉस्पिटल में। मैं अभी आ रहा हूँ। क्या हुआ रोहित? रीवा, वो सेतु का एक्सीडेंट हो गया, वो गिर गई है, उसका ना फ्रैक्चर हो चुका है और वो हॉस्पिटल में। आई हैव टू रश। रीवा प्लीज कैन यू डू मी अ फेवर, इन लोगों को संभालो ना आप। वो ज्यादा परेशान नहीं करना बुआ को। जाओ जाओ जाओ। बेटा मम्मा है ना, उनको कुछ हुआ नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। हा? और ये इनका बैग है रिवा, और इसमें जो भी है ना सामान वो सब ये लोग एडजस्ट कर लेंगे। और तुम देख लेना, प्लीज संभाल लेना। रोहित रोहित, इट्स ओके। अंगद तुम बिल्कुल नहीं बदले हो, पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था ना कि तुम बदल गए हो। मुझे बदला क्या था रिवा? अंकल टॉयलेट, मुझे भी। चलो एक्सक्यूज अस। हम बच्चा पार्टी को बताना क्या करना? हाँ, वो इतने बड़े शैतान है ना, उनको बताने की जरूरत नहीं है। अब देख, मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ अंगद, प्लीज बताओ मुझे। पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा, आई लव पिज़्ज़ा।
बड़े बदतमीज हैं। आप लोगों ने तमीज नहीं सिखाई इनको। मैं आपके लिए एक फ्रेश पिज्जा ऑर्डर करता हूँ। एक्सक्यूज मी, एक पिज्जा इनके लिए। एक्सट्रीमली सॉरी। क्या कर रहे थे तुम बच्चों? मतलब ऐसे बिहेव नहीं करते, इट्स रियली बैड मैनर्स। प्लीज अभी चुपचाप बैठना, लगता है बच्चों को बहुत भूख लगी है। नहीं, लेट्स ऑर्डर समथिंग। या सो बच्चों, क्या खाओगे? सैलेड। यू श्योर? मतलब ऐसा कुछ बर्गर, पेस्ट्रीज, फ्राइज? नहीं, सैलेड। राइट, एक्सक्यूज मी, कैन आई गेट वन ब्लैक कॉफी, वन सैलेड एंड अ रेड बुल फॉर हिम? वाओ, तुम्हें याद था? वेल, यू नो, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बोलूं और अपने गिल्ट को कैसे जस्टिफाई करूं। और हाँ, वो प्यार है क्या जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो? प्यार। अंकल प्लीज खिला दो ना। मैं? ओके। हियर। बेटा आप दोनों ना इस टेबल पे बैठो, मैं और अंकल ना दूसरे टेबल पे बैठते हैं, हमें ना ऑफिस की बातें करनी है। ओके? नो, पापा सर डोंट लीव आंटी। तुम मुझसे कनेक्ट कर सकते थे, राइट? आई मीन देयर इज मेल, फ्रेंड्स, टेक्स्ट। सी, आई नो इट्स ऑल माय मिस्टेक, और यूं अचानक से चले जाना और इतने साल तक फिर टच में नहीं रहना, बट कुछ आइडिया नहीं था कि किस टाइम लाइफ में क्या चल रहा है। और I'm really sorry. Stop it, you guys. You can't do that. Stop it, all right? Just listen to me, will you? Angad, I'll slap you. Bua, aap uncle ko maroge? Maro, maro, maza aayega. You know what, Angad? Let's just cancel it. I'll drop them home. I'm done. By the way, I'm proud of your kids. तेरे पे गए? मैं तेरे कांड बताऊंगा ना तो मेरे बच्चे शांत लगेंगे। अच्छा, भाई के कांड बताओ। मुझे जानना है। ओए। देखो रीवा, ये बच्चों के साथ बात नहीं कर पाएंगे, यू नो, सो लेट्स टॉक ऑन फोन। ये बातें ऐसी हैं कि आमने सामने दिखाना, आमने सामने करें तो बेहतर होगा, बिकॉज़ इट्स सो मच एंड आई हैड टू लीव दिल्ली एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ये ओह माय गॉड, व्हाट दिस इज द, डू यू हैव द सेंस? तुम जैसे बच्चों को ना बाथरूम में बंद कर देना चाहिए। सर आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। क्यों? Excuse me? मैं ऐसे बच्चों के साथ यहाँ पर नहीं चलेगा। What? I cannot believe this. Fine, let's just leave. What are you guys doing here? By the way, कैसी थी तुम्हारी डेट? Absolutely disgusting, really. Disgusting तो ये है, तो obviously date तो disgusting होगी। आपकी problem क्या है? ऐसी क्या frustration है आपकी life में यार? मतलब मेरी life में interfere करके आपकी life की problems नहीं solve हो जाएंगी? Your life will be as pathetic, okay? Come Angad, let's leave. One second. क्या बोला था तेरे को? रीवा की life से बाहर निकल जाओ। इस बार comedy film दिखाई, वो भी छोटी सी। Next time if I see you with my Reva, actual film दिखेगी। Angad's not gonna go anywhere, all right? Oh, really? Angad? Exit. Riva, I'll meet you soon. Are? Please move. हमने खाना ऑर्डर किया। Have food with us. जिया, पिया,
हेलो हेलो मिस पलक, आई एम माधवन सिंह, मैं ऋत्विक नून का लॉयर बोल रहा हूँ। डिवोर्स की डेट सेट है परसों, बस आप दोनों साइन कर दे फिर। जी बताइए कहाँ है? मेरे ऑफिस। आपको कोई रिप्रेजेंट कर रहा है? मिस्टर नून ने बताया आप किसी को कंसल्ट कर रही हैं। वेल मैं आपको बता दूं, मिस्टर नून ने आपके बिना मांगे ही अप्रोप्रिएट डैमेजेस दे दिए हैं। He has been more than generous. I'm sure. Yeah. Mr. Noon, पलक से बात हो गई है। परसों आफ्टरनून मेरे ऑफिस। Well, that's good news. तो अभी तक ये कलंक बन के घूम रहे? परसों तेरी एनिवर्सरी की पार्टी है, आर यू गोना गो लाइक दिस? तू भी यार छोड़ ना यार, यार तू किसको खुश करना चाह रहा है? भाई आई सॉ, मैं देखा यार वो अंगद इज बैक इन रिवर्स लाइफ, आई सॉ देम टॉकिंग ऑन द फोन। यार क्या फर्क पड़ता है भाई? देख हम किसी को जबरदस्ती बांध के तो नहीं रख सकते ना, जो होना है वो तो होके ही रहना है, उन्हीं को कौन डाल सकता है? ये सब उस पलक की वजह से हो रहा है ब्रो, वही मैं इन्वेस्टिगेट कर रही हूं। यार फिर पलक, यार ये बात बात पे पलक कहां से बीच में आ जाती है यार, मैं अपनी बात कर रहा हूं तू फिर पलक। भाई तू भूला नहीं है क्या उसे? नहीं मेरा मतलब है जो मेरा केस है ये बहुत ऑब्वियस केस है यार, आई सॉ इट कमिंग लाइक लॉन्ग बैक, यार मुझे पता था ऐसा होना ही है। अच्छा तू एक बात बता, तू एक बात बता, आज तक तूने मेरे को और रीवा को हस्बैंड वाइफ जैसे देखा है? नहीं ना? एग्जैक्टली, क्योंकि उसने मुझे कभी वो हस्बैंड वाला दर्जा दिया ही नहीं ना यार, वो प्यार रिस्पेक्ट तो दी ही नहीं, याद रखे वो औलाद भी हमारी अपनी नहीं है। It's not. That's a fact, right? भाई जो है वो है, I have to accept it and live with it. तो मैं बस वही कर रहा हूँ। I want to find peace. मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये गंदगी तब से फैलनी शुरू हुई है जब से वो पलक शर्मा इस शहर में वापस आई है। तू मान ना मान, this is happening because of her. तू मनहूस गिरी हुई लड़की के लिए घर छोड़ के जा रहा है। रिकी अब किसी के लिए कुछ नहीं करता है डैड। जिस दिन मैं इस घर में वापस आया था उस दिन मैंने उस मनहूस गिरी हुई लड़की से सारे रिश्ते तोड़ दिए, एंड नॉट जस्ट हर, मैंने सबसे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। अब मैं जो भी करता हूँ सिर्फ अपने लिए करता हूँ, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग। अगर यही तेरा फैसला है तो यही मेरी सजा है।